गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? आई होप कि आप सब अच्छे ही हो। आज व्लॉग स्टार्ट हुआ है 10 o'clock से और रात के 10 बजे देखिए अभी क्रेविंग्स हुआ चिकन स्टिक्स बनाने का। एक्चुअली क्रेविंग्स इंसान को होता है खाने के लिए, बट आज मन हुआ चिकन स्टिक बनाना है। नॉर्मली बाहर में चिकन स्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस में अवेलेबल रहता है, बट आज घर पर प्रिपेयर करना है। तो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, आप लोग साथ में बने रहिए और आप लोग भी देखते रहिए। अगर मेरा रेसिपी आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ चिकन का पीसेस रखा हुआ है, अब इसको प्रोसेस्ड करना है, बिकॉज ये अगर कट नहीं करेंगे तो अच्छा सा शेप नहीं आएगा। तो सबसे पहले चिकन को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है एंड देन उसके बाद कट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना सारा पीसेस हो गया है और ये बहुत अच्छी तरह से कट हो गया है। अब इसको मैरिनेट करके रखना पड़ेगा। अब इस कंटेनर में चिकन को मैरिनेट करके रख देना है और आ गए शेफ। एक्चुअली हम लोग के घर के शेफ आ गए, मतलब जिदान के पापा। तो सारा मसाला मिक्स करे, चाट मसाला मिक्स किए। जो चिप्स का जो मसाला है हम लोग अपने हिसाब से हम लोग डाल रहे हैं। मतलब बाहर में अगर आप लोग ट्राई करने जाइएगा तो ऑब्वियसली दूसरा मसाला होगा, मतलब चाट मसाला बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। कभी कभी कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ बनाने जाते हैं तब सोचते हैं कि चाट मसाला ऐड होना ज़रूरी है। तो देखिए चाट मसाले के बाद रेड चिली पाउडर एंड उसके साथ थोड़ा सा सॉल्ट, और सॉल्ट थोड़ा सा कम ही डालना है, ज़्यादा नहीं डाल सकते बिकॉज चाट मसाला ऐड हुआ। हाँ, और अभी क्या ऐड करना है? दही डाल सकते, कर्ड है नहीं, कर्ड। गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड कर देंगे। अब देखिए गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड कर दिए। आई थिंक अब फूड कलर ऐड करने से ज़्यादा अच्छा होगा ना। फूड कलर इसमें, फूड कलर। हाँ, मैरिनेशन का टाइम ऐड करने से। ओ ना है ब्लैक पेपर पाउडर, ये ब्लैक पेपर पाउडर जो है होममेड है, बहुत अच्छा स्मेल आता है होममेड रहने से। और अभी और एक चीज़ ऐड करना है, गरम मसाला। गरम मसाला मेरे पास जो अवेलेबल था वही हम लोग ऐड कर रहे हैं। इनफ। अब इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करना है। हाँ, और एक चीज़ ऐड करना है, हम लोग विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा विनेगर ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैरिनेट किया हुआ चिकन, और यहाँ पर मैदा है, और यहाँ पर वाटर है, तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑयल, ऑयल गर्म होने देंगे। अब देखिए ये जो चिकन स्ट्रिप्स का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले, सबसे पहले देखिए इस तरीके से डाल देंगे चिकन मैदे में। और अच्छी तरीके से रैप कर लेंगे। देखिए कितना अच्छी तरह से, देखिए कितनी अच्छी तरह से ये रैप हो गया है। अब इसको पानी में डाल देंगे। देखिए एंड देन फिर से हम लोग इसको देखिए पानी से निकाल लेंगे। अब अच्छी तरीके से फिर से रैप करेंगे और इसको इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। देखिए अब कलर आ रहा है, और कैसा लग रहा है देखने में ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अब सबसे रिव्यू भी लेंगे। अभी हम लोग थोड़ा दिन में जाएंगे मेरी नंद के घर, और वहाँ पर सबको टेस्ट करवाएंगे और सबसे रिव्यू लेंगे वन बाई वन। सबसे पहले तो बच्चे रिव्यू दे देंगे ना। अभी रात काफ़ी हो रहा है तो हम लोग ज़्यादा नहीं बना रहे, थोड़ा से हम लोग बनाएंगे।